आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवों को कैसे उठाया जाता है, यानी कि देव उठाने की पूजा विधि। वीडियो पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस व प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु के साथ अन्य देव भी क्षीर सागर में शयन करते हैं। भगवान विष्णु की ये योग निद्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहती है। भगवान के योग निद्रा में जाने के बाद से हमारे हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे विवाह शादी, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नए व्यापारिक संस्थान का मुहूर्त आदि कार्य। और भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने मुख से लक्ष्मी जी को कहा था कि जो भी मनुष्य मेरे सोने और उठने के समय को एक उत्सव की तरह मनाएगा, तो मैं उसके घर में तुम्हारे सहित निवास करूंगा। देव उठनी एकादशी को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस दिन एकादशी व्रत करने का अत्यधिक महत्व होता है। वैसे तो पूरे वर्ष के एकादशी व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन ही तुलसी जी का श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ विवाह होता है। इसी दिन श्री हरि उठने के साथ ही पहली प्रार्थना श्री हरि वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन एकादशी व्रत जरूर रखें। व्रत रखने वाले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि की लक्ष्मी सहित पूजा करें। घर के आंगन को साफ कर आंगन के बीच में चौक पूर कर श्री हरि विष्णु के पद चिन्ह बनाएं। यदि आप आंगन में ऐसा न कर सकें तो रसोई घर में भी भगवान के पद चिन्ह बनाना शुभ कार्य होता है। कलात्मक ढंग से सुंदर स्वरूप देकर इन पद चिन्हों को दिन के समय ढक दिया जाता है। शाम को जब दोनों समय मिलते हैं, यानी कि संध्या के समय, सभी परिवार के सदस्य एकत्रित होकर रोली मोली गुड़ चावल से पद चिन्हों की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, सभी को तिलक किया जाता है। भगवान को भोग अर्पित करने के लिए गन्ना, मूली, सिंघाड़े, केले, पताशे, अनार, कचरी आदि ऋतु फल अपने पास रखें। पूजा कर भगवान को ये सब श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। सभी मिलकर ताली बजाते हुए श्री हरि को उठाते हैं। भजन गीत आदि गाए जाते हैं। कुछ लोग पंडित जी को बुलाते हैं, जो कि मंत्र उच्चारण द्वारा श्री हरि को उठाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं भी मंत्र द्वारा, भजन कीर्तन द्वारा उन्हें उठा सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष लाभ देता है। भगवान को उठाते समय उठो देव बैठो देव कहकर श्री हरि को उठाएं। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य इस दिन श्री हरि की, तुलसी जी की व श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी की स्तुति करता है, वे जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी नामष्टक का पाठ करना भी अनेक फलों को देने वाला होता है। देवोत्थान एकादशी आप सबके लिए शुभ व मंगलमय हो, तथा देवताओं के उठते ही आपके व्यापार, कारोबार व परिवार में नई नई खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।